नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे और अपनी मां हीराबा से भेंट की और आशीर्वाद दिया। खास बात यह है कि मां हीराबा का आज 100वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट मां के साथ गुजारे। इस दौरान पीएम मोदी ने मां के चरण धोए, उन्हें मिठाई खिलाई और आशीर्वाद दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का अपनी मां के प्रति विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पीएम मोदी कई मौकों पर गुजरात आकर अपनी मां का आशीर्वाद ले चुके हैं। मां बेटे के फोटो और वीडियो देश भर में खूब देखे जाते हैं। गांधीनगर में एक सड़क का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। गांधीनगर के मेयर हितेश मकवाना ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा 100 साल की हो रही है और राज्य की राजधानी के लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 80 मीटर लंबी सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार देर रात अहमदाबाद पहुंचे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार रात गांधीनगर राजभवन में ठहरे। प्रधानमंत्री शनिवार को बड़ोदरा में 21,000 करोड़ की खेड़ा, आनंद, पंचमहल, बड़ोदरा व छोटे उदयपुर जिले में विविध विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले पावागढ़ कालिका माता मंदिर जाएंगे, जहां दर्शन व नव निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।